आज हम बर्मी घूमेंगे। टाटा ने अंबानी का गाड़ी रोक लिया था, अभी अंबानी लोग जा रहे हैं, टाटा को कोई हरा नहीं सकता है। मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज मैं हूँ कालिंपोंग मार्केट में अभी, और मुझे कुछ काम है बर्मिक में। तो आज हम बर्मिक घूमेंगे श्रवण के साथ, श्रवण बीट बॉक्सर के साथ। तो आज कुछ काम है मेरे को बर्मिक में, तो वहाँ जाएंगे। तो आज अभी पहले फिलहाल में कालिंपोंग में मार्केट है, उसको खत्म करके मार्केट का काम, उसके बाद चलते हैं टुवर्ड्स बर्मिक। तो स्टे ट्यून द चैनल एंड वीडियो। तो कालीपुंग के मार्केट का काम तो खत्म हो चुका है, अब जर्नी स्टार्ट होने वाली है बर्मिक के लिए। सो रास्ता यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से भी है, लेकिन ये लॉन्ग कट वाला है, हम जाएंगे शॉर्टकट से, तो इस रास्ते से जाएंगे। तो स्कूटी हमारी वहाँ पे, तो लेट्स गो। और अब बने रहो वीडियो में, बाकी अब सीधे आपको बर्मिक में मिलता हूँ, क्योंकि रास्ते काफ़ी लंबा मिलेगा ड्राइव करने के लिए। तो आप, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बर्मिक के रास्ते दिखाए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और बाकी अब चलते हैं अपनी धनों की तरफ, बीट बॉक्सर की तरफ, और करते हैं स्कूटी स्टार्ट और निकलते हैं बर्मिक के लिए। तो अब मिलते मिलता आपको बर्मिक पे। सो अभी मैं बर्मिक नहीं पहुंचा, अभी बर्मिक के रास्ते से गुजर रहा था, तो सोचा कि आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूं कालीपुंग के बारे में। तो अभी मेरे पीछे एक बहुत ही एक हिस्टोरिकल और काफ़ी फेमस स्कूल है, डॉक्टर ग्राम होम्स। तो ये इतना पॉपुलर स्कूल है कि अगर इंडिया में किसी एक्सपेंसिव स्कूल की बात होगी तो इनका नाम भी ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया से भी और आउट ऑफ इंडिया से भी लोग पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस स्कूल है डॉक्टर ग्राम होम्स कालीपुंग के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कालीपुंग में कि इतना अच्छा और पॉपुलर स्कूल है कालीपुंग में। तो ये था अपडेट थोड़ा सा, और बाकी अब सब लोग जा रहे हैं इस तरफ, तो अभी हम चलते हैं, और बाकी फिर मिलते हैं बर्मिक में। टाटा ने अंबानी का गाड़ी रोक लिया था, अभी अंबानी लोग जा रहे हैं, टाटा को कोई हरा नहीं सकता, इसीलिए इसका बॉडी भी टाटा जितना ही बना है। तो अभी फाइनली बर्मिक आ चुके हैं और मौसम ठंडा हो गया, कालीपुंग थोड़ा नीचे पड़ता है बर्मिक से, तो वहाँ थोड़ी गर्मी थी, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी ठंड है। तो अभी मैं रुका हुआ हूँ कहीं कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए, आई मीन लंच के लिए। तो लंच के लिए इसमें होम स्टे पर आया था छोटा सा, जो कि मैं पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था कालीपुंग टूरिस्ट एपिसोड नंबर 2 पे। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे, इसमें मैंने यहाँ पे आपको लोकल एक जाड़ बोलते वो मैंने पी थी। मजा आ गया। तो आज भी ट्राई करता हूँ, अगर मिलेगा तो हम पियेंगे और मोमोज भी खाएंगे। तो चलते अंदर और फिर करते लंच एंजॉय। सो फाइनली अभी हम आ चुके हैं बर्मिक से बाहर मंगसंग की तरफ, और मैं काफी एक अच्छे व्यू पॉइंट में खड़ा हूँ और आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा अभी यहाँ पे। तो उससे पहले आपको थोड़े से मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो होम स्टे के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर जाड़ मिलेगा या जो डुंगरू बोलते हैं वो मिलेगा तो मैं उसको आप दिखाऊंगा, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने ज़्यादा वहाँ पे फुटेज नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे, तो यू नो कि हर जगह वीडियोग्राफी करना उतना डिफिकल्ट हो जाता है, कि लोगों की प्राइवेसी भी रहती है, तो मैंने उतना ज़्यादा फुटेज वहाँ पे नहीं लिया। पर लेकिन हाँ, अगर आप बर्मिक आते हो तो वहाँ पे जाके आप इन्जॉय कर सकते हो। वहाँ पे दीदी है काफ़ी अच्छे से आपको हॉस्पिटैलिटी और काफ़ी अच्छे से सर्विंग वहाँ पे होती है, तो आप वहाँ पे जाके मोमोज और ढुंगरू एंजॉय कर सकते हो।
और व्यू काफ़ी अच्छा है, व्यू मतलब अच्छा है इसलिए भी थोड़ा इसलिए कि थोड़ा फॉगी फॉगी है तो उतना अच्छा से नहीं दिखेगा, पर लेकिन लिटरली बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे आप आते हो मंगसंग व्यू पॉइंट में, बर्मिक से हल्का सा दूर है, तो यहाँ से आपको सिक्किम दिखेगा पूरा कंप्लीट। अभी यहाँ पे वहाँ पे जो फॉग लगा हुआ है तो रेली नदी भी है, टिस्टा भी दिखेगा यहाँ से सब आपको अगर मौसम क्लियर होता है। तो अब मैं कोशिश करूँगा आपको एक अच्छे से व्यू दिखाने की। तो मंगसंग का जो रास्ता आपको यहाँ से दिखेगा बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, रास्ते के सामने ही आपको बराबर में एक खूबसूरत वादियाँ देखने को मिल जाएंगी, और वो जो छोटा सा आपको वो दिख रहा है व्यू पॉइंट वो आपका पूरा रंपू है, वो सिक्किम में आपको पड़ता है रंपू, तो वो पूरा रंपू है। टिस्टा नदी भी देख सकते हो, पूरा नदी वदी पूरी चल रही है, मुझे कंफर्म नहीं है कि टिस्टा ही है कि रेली है, क्योंकि दो नदियाँ हैं। हाँ ये तो टिस्टा ही है। वो टिस्टा ही है, ठीक है। तो श्रवण ने कह दिया टिस्टा ही है, और बाकी ये व्यू है, बाकी आप देख सकते हो इस तरफ भी काफ़ी अच्छे तरीके से, और यहाँ भी है, और काफ़ी लोग भी वहाँ पे अभी फ़ोटो शूट कर रहे हैं अपना आराम से। और बाकी यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएंगी कि यहाँ पे आपको डस्टबिन वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, ताकि यहाँ ग्रीनरी रहे और नेचर को उतना इफेक्ट ना पड़े हमारे जो को भी जा सकते हैं। यहाँ से रंपू भी जा सकते हैं? कहाँ से? यहाँ से। अच्छा जी, रास्ता आपको रंपू भी सिक्किम में ले जाएगा, तो वो भी अच्छी बात है। कि अब श्रवण बताएगा आपको कि इसको व्यू पॉइंट कैसा लगा। श्रवण बताओ, ऑल गोस टू यू। ये व्यू पॉइंट तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इससे अच्छा जरिया जो जगह है ना, हाँ। वो माइंड फ्रेश करने वाला। अच्छा, इधर पे वो पीस फील होता है वक्त। अच्छा, मजा हाँ। आता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, इस फैन की बात हो जाए तो थोड़ा बहुत बीट बॉक्सिंग तो बनता ना, सोचा कि बीट बॉक्सिंग के साथ साथ ना मतलब अच्छे तरीके से फुटेज दिखाने के लिए तो एक बीट बॉक्सिंग बन जाए थोड़ा सा। आज मैं 6 साउंड ट्राई करूंगा एक ही बार में। ठीक है, तो हो जाए। 1 Let's go। यार काफ़ी मेहनत लगती है, टैलेंट यार काफ़ी अच्छी बात है श्रवण का। बाकी आप बताओ कमेंट करके कैसा लगा इसका बीट बॉक्स टैलेंट, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जितने मैंने आपको फुटेज दिखाए आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट याद से करना है, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। ठीक है, ये चीज़ का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।